Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gonna stop. We gon' turn it out till it gets too hot. Everybody sing, hey, yo. Tell them turn it out till they can't no more. Let's get this thing. Hey guys, welcome back in another video. So, आज की वीडियो में लेके आ गया हूँ मैं पेगासस वर्सेस ड्रैगन. सो मैं पेगासस की फ़ाइट हर एक बेब्लेड से करूँगा और देखते हैं कि पेगासस को कौन हरा पाता है. जहाँ तक मुझे लगता है इसको कोई नहीं हरा पाएगा, सिर्फ लेफ्ट स्पिनिंग एल ड्रैगो को छोड़ के, क्योंकि ये स्पिन स्टिल स्पिन करता है, इसलिए सिर्फ यही इसको हरा सकता है जहाँ तक मुझे लगता है. बाकी सबसे लास्ट में इसी से फाइट करेंगे, उससे पहले हम सब बेब्लेड से फाइट करेंगे जो भी यहाँ पर है. इन सब से इसकी फाइट करेंगे, मतलब पेगासस की फाइट करेंगे और इन दी एंड हम एल ड्रैगो से फाइट करेंगे. सो देखते हैं कि कौन जीत पाता है. ओके गाइस, सो आज की वीडियो में स्प्रिगन वर्सेस पेगासस होगा. ओके, सो स्प्रिगन और पेगासस की फाइट अब स्टार्ट करेंगे हम. और सबसे पहले पेगासस को ही लॉन्च करते हैं, इसके बाद स्प्रिगन की बारी आती है. और जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लॉन्च हुआ है दोनों का ही. स्प्रिगन काफ़ी अजीब तरीके से स्पिन करता है और मुझे नहीं लगता स्प्रिगन का कोई चांस है जीतने का. सो गाइस, आप देख ही सकते हैं कि स्प्रिगन जीत नहीं पाया. इसको मैं अगर दोबारा भी लॉन्च करूं तो भी नहीं जीत पाएगा, जैसे कि आप देख ही सकते हैं पेगासस से कोई नहीं जीत सकता. ओके, सो शायद पेगासस से अब हार जाए सेकंड लॉन्च में. हाँ, तो स्प्रिगन ने सेकंड लॉन्च में पेगासस को हरा दिया, लेकिन वैल्करी इसको सेकंड लॉन्च में हरा नहीं पाई थी. सो एक बार और फाइट करते हैं. स्टेमिना टाइप बेब्लेड्स की यही दिक्कत होती है कि ये दोनों काफ़ी देर तक घूमते हैं. अटैक टाइप बेब्लेड काफ़ी ख़तरनाक फाइट करते हैं. उस प्रिगन वहीं पे अटक चुका है शायद. यहाँ पे इस खड्डे में अटक गया है. सो प्रिगन हारते हुए फिर से वहीं पर अटकते हैं स्प्रिगन. आई थिंक मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा फिर से. सुबह जैसे कि आप देख सकते हैं स्प्रिगन ये फाइट भी नहीं जीत पाया और पेगासस हमारा जीत चुका है.